नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के समाकलन के पहले सत्र के लिए शामिल हो रहे हैं। इस सत्र में हम लोग समाकलन कैसे करते हैं, हाउ वी कैन इंटीग्रेट अ फंक्शन, एक फंक्शन का समाकलन इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये करने के लिए हम सीखेंगे। आइए नंबर एक देखते हैं। एक फॉर्मूला आपने सीखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, आपने पढ़ा है कि जब वाई बराबर कॉस एक्स होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब रिवर्स कर दीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चूंकि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट को भी आपने जीरो कर दिया था, इसलिए एक कांस्टेंट के रूप में से जोड़ते हैं, इसे समाकलन नियापांग कहते हैं। तो यह आप एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, एक फॉर्मूला नंबर एक सीख गए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आपको साइन ए एक्स प्लस बी डीएक्स का इंटीग्रेशन करना रहा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? साथियों, ये आ गया। सबसे पहले ये इसकी जगह पर मुझे एक्स केवल चाहिए था, डीएक्स चाहिए था, तो आराम से हम लिखते माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहां एक्स प्लस बी आ गया, तो यहां मानते हैं लिट शाइन एक्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। आप इसको जेड मान लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए डी एक्स डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स बराबर डी जेड डी एक्स। साथियों, ये जीरो, ये डी एक्स डी एक्स होता है ए हो गया, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है, डी जेड डी एक्स, डी एक्स को आप यहां ले आइए, ए डी एक्स बराबर डी जेड आ गया, यानी डी एक्स बराबर आप कह सकते हो डी जेड बटे ए आ गया। अब आपके पास में जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया साथियों, आई बराबर साइन एक्स प्लस बी आ गया। एक्स प्लस बी के लिए क्या कर सकते हो, जेड, और डीएक्स के लिए है डी जेड बटे ए। ए को बाहर कर दीजिए, साइन जेड डी जेड हो गया। ये तो फिर वही आ गया जो पहले से हमने फॉर्मूला के रूप में सीखा है, यानी आप इसको लिख सकते हो एक बटे साइन जेड का होता है माइनस माइनस कॉस जेड प्लस सी। माइनस एक बटे कॉस जेड का मान कर दीजिए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन निकल के आ गया। जरा देखिए क्या सीखे हम लोग, आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन सीख लिया, माइनस वन बाय ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब एक इसी पर एग्जाम्पल्स और रहे, साइन 2x प्लस 3 रहे और इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो माइनस x के साथ में 2 है तो माइनस एक बटे 2 लिखेंगे कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी। साथियों, अगर यहां पर साइन 4 माइनस 3x रहे dx, माइनस x के साथ कॉफिशेंट माइनस 3 है तो माइनस एक बटे 3 लिखेंगे कॉस 4 माइनस 3x प्लस सी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बाय 3 कॉस 4 माइनस 3x प्लस सी। इस तरह से कोई भी फंक्शन साइन के साथ में रहेगा तो आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये इंटीग्रेशन साइन वर्स x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साथियों। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। साइन इनवर्स x को जेड मान लेते हैं, साइन इनवर्स x को अगर आपने जेड माना ले तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा
रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर डीजेड। साइन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, एक बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साथियों, डीएक्स बराबर डीजेड हो गया। अब आपके पास में जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया, इसको जेड कहेंगे, तो जेड की पावर थ्री हो गया, और डीएक्स बटे इतना को डीजेड कहेंगे, ये डीजेड हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, जेड की पावर फोर, तीन प्लस एक बटे इतना प्लस ही हो गया। अब जेड का मान इसमें भर देते हैं, देयर फोर आई बराबर हो गया साइन इनवर्स एक्स का पावर फोर बटे फोर प्लस सी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आपने किया। अब आइए अगले इंटीग्रेशन करने के लिए चलते हैं, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर है। साथियों यहां पहले मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स को आप जेड मान लो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ डी जेड लिखेंगे, डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर को डी जेड कहेंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस टेन इनवर्स एक्स को आपने जेड कहा, कोस जेड डी एक्स बटे इतना बराबर डी जेड हो गया, डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी जेड, ये डी जेड हो गया। साथियों आप जानते हो कोस जेड का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस शी। अब हम जेड का मान भरेंगे, तो आई बराबर साइन जेड का मान है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो गया प्लस सी, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चार है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साथियों हमारे साथ जुड़िए और आसानी के साथ समाकलन को एकदम सुविधा के साथ सरल तरीके से सीखिए, सहजतापूर्वक और इंटीग्रेशन को अपना बनाइए। कैसे आप इंटीग्रेशन करना करेंगे साथियों, किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म बदलना यही चैलेंज है। जैसे आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म बदल देंगे, आसानी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे देखने में बहुत लगेगा भयावह, कैसे करें क्या करें, लेकिन थोड़ी सी अगर टेक्निक को सीख लेते हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म बदलता है, और जैसे फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म बदलता है आप आसानी के साथ उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करें और आसानी के साथ इसको बना लें। साथियों अगर आप cos x को z मान लेते हो, लेट cos x को अगर z मान लेते हो तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंस होता माइनस साइन x dx बराबर dz, यानी साइन x dx बराबर आप लिख सकते हो माइनस डीजेड। तो इंटीग्रेशन आपका हो गया कॉस क्यू एक्स, कॉस को आपने जेड माना है तो जेड का क्यू हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स बराबर हो गया माइनस डीजेड, डीजेड बाहर करेंगे, माइनस के चिन्ह को बाहर करेंगे, डीजेड यहां लिख दिए। अब जेड की पावर थ्री, डीजेड का इंटीग्रेशन आप जानते हो जेड की पावर फोर बटे फोर होता है, तो इसके लिए इसकी पावर में वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीमेंट थ्री से एक जोड़ दिया तो चार हो गया, और उसी से भाग कर देते हैं बटे चार प्लस सी हो गया। जेड का मान जो है कॉस एक्स है, कॉस एक्स का पावर हो गया फोर बटे फोर प्लस हो गया सी, ये हो गया आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू आ गया। इस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर पांच है, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस डी एक्स है, ये इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए थोड़ा सा टेक्निक लगाइए, x प्लस ए को जेड मान लीजिए तो x बराबर जेड माइनस ए हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dz हो जाएगा। अब ये फॉर्म जो हो गया साइन जेड माइनस ए और ये हो गया जेड dz हो गया। साथियों अभी भी ये इंटीग्रेबल फॉर्म बदला नहीं है, इसको तोड़ देते हैं, साइन जेड साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी तो फॉर्मूले पर तोड़ दिए बटे साइन जेड dz, इसको अलग अलग कर दिए साथियों, साइन जेड कॉस ए बटे साइन जेड डी जेड हो जाएगा, माइनस कॉस जेड साइन ए बटे साइन जेड डी जेड हो जाएगा। अब ये आसानी से कट गया, कॉ इंटीग्रेशन कॉस ए डी एक्स है
तो कॉस एक कॉन्स्टेंट के रूप में है, तो कॉस एक बाहर करेंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, कॉस जेड बटे साइन जेड होता है कॉट जेड, साइन ए को बाहर कर लिया, कॉट जेड डी जेड। साथियों कॉस ए डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है साइन ए, और कॉट जेड का होता है लोग साइन जेड प्लस सी, और जेड का मान भर देंगे तो ये आई बराबर हो गया एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग, साइन जेड का मान होता है एक्स प्लस ए प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। साथियों यहां पर डीएक्स लिखा गया था, यहां डी जेड लिखेंगे और ये भी डी जेड हो जाएगा, तो ये भी जेड हो जाएगा, और जेड का मान यहां भरेंगे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए कॉस ए साइन ए लॉग, इतना ब्रैकेट तोड़ेंगे, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी होगा। ये कांस्टेंट के रूप में हो गया, इसे भी कांस्टेंट के रूप में डाल सकते हैं, इसलिए आई बराबर एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी लिख सकते हैं। साथियों इस तरह हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत सरलता और सहजता के साथ समाकलन को सीखें। हम अगले सत्र में इसके आगे के भाग को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।